हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का हमारा टॉपिक पार्लियामेंट। सो इससे पहले हमने यहाँ पे 3 पार्ट कवर कर चुके हैं इसके। सो आगे हम यहाँ पे 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे, एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 22 है। और जैसा कि आपको पता है कि साथ साथ हम यहाँ पे जो भी चैप्टर करते हैं साथ में उसके हम MCQs भी साथ साथ में करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ MCQs से जो 1st पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, लेकिन जो इसके MCQs पेंडिंग है चैप्टर के वो हम करेंगे यहाँ पे लास्ट में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि चैप्टर यहाँ पे बहुत लेंथी है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, जैसे ही यहाँ पे इंडियन पॉलिटी कवर हो जाती है, सो उसके बाद यहाँ पे जितने भी UPSC के क्वेश्चन पेपर्स हैं 2001 से लेके 2018 तक के, ठीक है, वो सभी यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। सो जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था, ठीक है, कि मैंने वहाँ पे एक डायग्राम बताई थी। सो डायग्राम क्या थी, तो उसमें क्या थे जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन ओवर होता है जैसे, फिर 0 आवर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, देखेंगे एक्चुअली यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन आवर है आप लोगों ने याद रखना है, 11 से लेके 12 बजे तक यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। सो 12 से 1 बजे तक क्या होता है, यहाँ पे 0 आवर होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लंच होता है, ठीक है। सो इतना आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कि लंच से पहले कौन सा है, यानी कि उरे आवर्स आता है, ठीक है, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे दे देंगे। सो एटलीस्ट आपको ये चार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने ये लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3rd में एक्सप्लेन किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मिनिस्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। सो इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टार्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या है यहाँ पे, अनस्टार्ट क्वेश्चन। और थर्ड क्या है यहाँ पे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन। सो स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उनके यहाँ पे ओरली आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। सो याद कैसे रखना है, जैसे स्टार लोग होते हैं, सो जैसे हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमें कौन सा रिटर्न में देते हैं, वो हमें ओरली बताते हैं, ठीक है। जैसे हम उनसे फेस टू फेस बात करते हैं, तो वो हमें ओरली आंसर देते हैं कि हाँ ये मूवी, ठीक है, जो भी लाइक हम उनसे बात करते हैं जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। सो ओरली आंसर देते हैं। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो मैंने एक फिल्म स्टार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि हाँ ये फिल्म कैसी है कैसी नहीं, ठीक है, उसने यहाँ पे आंसर दिया, उसी के रिगार्डिंग फिर मैंने दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे उसने आंसर बताया, मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने क्वेश्चन पुट किया, फिर उसने आंसर बताया, ठीक है। सो इस जो ये प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। अब बात करते हैं अनस्टार की, ठीक है। ये स्टार के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि आप लोगों ने कैसे याद रखना है इनको, ठीक है। सो यहाँ पे क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो थोड़े बहुत ट्रिक्स अपने आप बनाते चलो और ये आपको ईजिली यहाँ पे याद हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्या है, अनस्टार, ठीक है। यहाँ पे स्टार की अब बात नहीं हो रही, यानी कि कोई फिल्म स्टार नहीं होगा, सिर्फ आम नागरिक की यहाँ पे बात होगी। सो यहाँ पे रिटर्न में, तो रिटर्न में आंसर दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है, रिटर्न में आंसर दिए जाते हैं और यहाँ पे सप्लीमेंट्री प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते कि हाँ ये क्यों हुआ, अदरवाइज ये जो प्रोसेस हो जाएगा बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न में आंसर दे रहे हैं वो, ठीक है। सो इसलिए याद रखना है, जब भी अनस्टार की बात होगी, इट मीन्स हम सिंपल नागरिक से, ठीक है, पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, वो रिटर्न में हमें देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री प्रोसेस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, शॉर्ट नोटिस। सो यहाँ पे जैसा कि यहीं पे मेंशन है, ठीक है, टाइटल में क्या है, उरे नोटिस। सो यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसके यहाँ पे नोटिस देना होगा, लेकिन जो नोटिस देना होगा वो 10 दिन से कम का होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि 15 दिन नोटिस हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। सो वो 10 दिन से कम का यहाँ पे नोटिस होगा, ठीक है, तभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे जो उसका आंसर होगा वो ओरली बताया जाएगा, ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन ओवर में यहाँ पे मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट मेंबर, ठीक है, अदर लेट्स सपोज
कोई भी यहाँ पे लेट्स सपोज की बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिल हो गया, जैसे रेजोल्यूशन हो गया या कोई भी मैटर हो गया उस बिजनेस के रिगार्डिंग है यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उस मेंबर के, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्राइवेट मेंबर होगा उसके द्वारा यहाँ पे ये बिल है या रेजोल्यूशन उसके द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम उससे भी डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं और मिनिस्टर से भी क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। सो ये क्या है, क्वेश्चन आवर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जीरो आवर। सो जीरो आवर ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसको मेंशन नहीं किया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इनफॉर्मल डिवाइस होता है, मतलब कि यहाँ पे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट में वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी कोई भी इशू यहाँ पे चल रहा है, कोई भी टॉपिक चल रहा है, उनके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना, पहले ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 दिन पहले हम यहाँ पे नोटिस देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है, उसका आंसर बताया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो आवर क्या होता है कि अगर, तो यानी कि कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एट प्रेजेंट उसी वक्त, तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो जीरो आवर का यहाँ पे इन्वेंशन किया था, ये किसने किया था, इंडियंस ने ही इसका इजाद किया था, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसमें यहाँ पे यूज़ किया था। तो सबसे पहले ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1962 में आया था। सो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसको मेंशन नहीं किया गया, क्लियर है। सो ये बेसिक बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, क्या है, मोशन। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस काम होंगे, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के यहाँ पे जो भी काम होंगे उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया जाएगा मोशंस में, ठीक है, याद रखना। सो यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो कौन आता है, स्पीकर होता है। अगर तो यहाँ पे राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पे कौन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। सो उनके द्वारा यहाँ पे ये मोशंस लाए जाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे ये रेकमेंड किया जाता है कि हाँ ये मोशन लेके आना है किसी यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। वो क्या क्या है यहाँ पे वो हम नीचे देखेंगे। सो उससे पहले यहाँ पे याद रखना है कि अगर तो यहाँ पे कोई मोशन लाया जाता है, ठीक है, सो यहाँ पे जो मोशन होगा उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है या उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। सो ये किस यहाँ पे जो डिसीजन होंगे या ओपिनियंस होंगे ये यहाँ पे मिनिस्टर्स या प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। सो यहाँ पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पे कौन कौन से 3 टाइप हैं, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, सब्सटेंटिव मोशन। सो इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, जो यहाँ पे डील करेगा, किससे डील करेगा यहाँ पे, अगर तो इम्पीचमेंट करनी है प्रेजिडेंट की, ठीक है, या यहाँ पे रिमूव करना है किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अगर तो यहाँ पे रिमूव करना है तो उसके रिगार्डिंग ये मोशन लाया जाएगा, ठीक है, याद रखना, जो सब्सटेंटिव मोशन होता है। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सब्सटीट्यूट मोशन। सो इसमें क्या होगा, सो जो यहाँ पे ओरिजिनल मोशन होगा, ठीक है, अगर तो उसमें बहुत सारी उनको यहाँ पे कमियाँ दिख रही हैं, सो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि उसको यहाँ पे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे रिप्लेस करके जो ओरिजिनल मोशन होगा, सो यहाँ से एक नया मोशन लाया जाएगा, ठीक है। सो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूट मोशन बोलेंगे, ठीक है। सो थर्ड क्या है यहाँ पे, सब्सिडियरी मोशन। सो सब्सिडियरी मोशन में क्या होता है, अगर तो यहाँ पे सेम है जैसे कि अभी हमने सेकंड किया था, अगर तो यहाँ पे जो ओरिजिनल मोशन है, ठीक है, अगर तो उसमें थोड़े से चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं चेंजेस, लेकिन ये पूरे जो मोशन होगा उसको यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे जो ओरिजिनल मोशन होगा उसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं ये, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडियरी मोशन, ठीक है। लेकिन जो सब्सिट्यूट होगा उसमें क्या होगा, ये कम्प्लीटली इसको रिप्लेस करके एक नया मोशन यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो इसके आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, क्लोजर मोशन। सो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे चल रहे होते हैं, सो उसको यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है और यहाँ पे फिर वोटिंग होती है, ठीक है। सो ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, सो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, सिंपल क्लोजर। सो सिंपल क्लोजर में यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या है कि
अब यहाँ पे जो डिस्कशन है वो बहुत हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगी, वोटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन बहुत कर लिया इन्होंने, अब यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग करा देंगे। सो आगे क्या है, यहाँ पे क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। सो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी लेंथी यहाँ पे मोशन है उसको यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको फिर यहाँ पे मोशंस को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। उस पर यहाँ पे फिर वोटिंग होगी। थर्ड क्या आ गया, कंगारू क्लोजर। सो कंगारू क्लोजर में क्या होता है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मोशंस होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे डिबेट होती है, उसके बाद यहाँ पे वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो बच जाता है कुछ पार्ट, ठीक है, सो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मोशंस होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पहले डिबेट होगी फिर यहाँ पे वोटिंग होगी। लेकिन जो पार्ट यहाँ पे बच जाएगा उसको यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग करा के पास कर दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कंगारू क्लोजर में क्या होता है। आगे यहाँ पे क्या, फोर्थ ग्लूटिन क्लोजर। सो इसमें क्या होता है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ग्लूटिन यहाँ पे क्लोजर क्या होता है। सो यहाँ पे क्या है कि एक जो पुराने टाइम में यहाँ पे एक मशीन आती थी, ठीक है। मशीन में क्या होता था, जैसे कि यहाँ पे किसी बंदे को अगर सज़ा देनी होती थी तो यहाँ पे उसकी गर्दन रख दी जाती थी, ऊपर से यहाँ पे जो कुल्हाड़ी होती थी, ठीक है, उसका यहाँ पे गर्दन उसकी काट दी जाती थी। तो वहाँ से ये वर्ड इन्होंने लिया हुआ है। तो एक्चुअल में यह क्या होता है कि अगर तो किसी भी मोशन के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार उसको डिबेट करके जल्दी से जल्दी वहाँ पे वोटिंग करा के इसको यहाँ पे पास कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने लगा दिया होता है, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे जो भी टॉपिक उठाया जाता है उसका गला घोट दिया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आपने ऐसे ही इसको याद रखना है, बहुत ईजी है ये। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रिविलेज मोशन। सो प्रिविलेज मोशन में क्या होता है, अगर तो यहाँ पे कोई मिनिस्टर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, अगर तो कोई भी मेंबर या मिनिस्टर, ठीक है, बात करे अपने अधिकारों का यहाँ पे गलत इस्तेमाल करता है, देन यहाँ पे प्रिविलेज मोशन को यहाँ पे पास किया जाता है किसी इंडिविजुअल या फिर कमेटी, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की बात करें या फिर कमेटी की बात करें, ठीक है, उसके खिलाफ यहाँ पे इसको पास किया जाता है हाउस में, ठीक है, किसी भी हाउस में यहाँ पे कर सकते हैं, या तो लोकसभा में कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इसको राज्यसभा में कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, प्रिविलेज मोशन को, वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर तो लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे कौन होगा, स्पीकर होगा, अगर तो यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो कौन होगा, चेयरमैन होगा। तो इनके द्वारा यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। सो अगर तो ये इस जो प्रिविलेज मोशन है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, 15 मेंबर की। सो वो यहाँ पे क्या करेगी, जांच करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर तो वो दोषी पाए जाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पे रिज़ाइन नहीं देना होता है, ठीक है, उनको यहाँ पे रिज़ाइन नहीं देना होता है। लेकिन यहाँ पे इनके खिलाफ एक पनिशमेंट डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट की, ठीक है, अगर वो अपने अधिकारों का यहाँ पे गलत इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कॉलिंग अटेंशन मोशन। सो इसमें क्या है, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका यहाँ पे ध्यान दिवाया जाता है, ठीक है, किसके ऊपर, जो यहाँ पे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वर्क होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे इनका ध्यान दिलाया जाता है, ठीक है, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इनको यहाँ पे करना होता है, ठीक है। सो इनका यहाँ पे अटेंशन यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है, मिनिस्टर्स का। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या याद रखना है, जैसे कि हमने लास्ट में करा था जीरो ओवर कर रहा था, ठीक है, उसको यहाँ पे इंडियन इनोवेशन था, इंडियन ने यहाँ पे इन्वेंट कर रहा था। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है इसको भी यहाँ पे इंडियन ने ही इन्वेंट कर रहा था, ठीक है। सो सबसे पहले ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, सो ये आया था 1954 में आया था। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो लेकिन हमने वहाँ पे करा था जो जीरो ओवर था वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है इसको यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है, ठीक है। सो ये बेसिक बात ही आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कॉलिंग अटेंशन मोशन की, ठीक है। सो क्या होता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे अटेंशन दिलाया जाता है मिनिस्टर्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अर्जर्नमेंट मोशन। सो यहाँ पे क्या है, अर्जर्नमेंट मोशन में जो हाउस होता है उसका यहाँ पे ध्यान दिलाया जाता है जो भी यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिलाया जाता है।
अगर तो ये अपना काम सही तरीके के साथ नहीं करते तो यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो यहाँ पे अडजर्नमेंट मोशन लाती है। ठीक है, ओनली ये याद रखना, सिर्फ लोकसभा में ही इसको लाया जाता है, इसको राज्यसभा में नहीं लाया जाता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये लोकसभा में ही लाया जाएगा अडजर्नमेंट मोशन, और यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसके द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, सो आपको पता ही होगा लोकसभा, जैसा कि मैंने पहले बताया, कौन होता है यहाँ पे स्पीकर। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने कि एट प्रेजेंट कौन है स्पीकर इंडिया के, और यहाँ पे क्या है उनके द्वारा, अगर तो ये एक्सेप्ट, ठीक है, कब किया जाएगा, अगर तो यहाँ पे इनको 50 मेंबर का सपोर्ट हासिल है तब यहाँ पे जो लोकसभा का स्पीकर है उसके द्वारा यहाँ पे ये एक्सेप्ट किया जाएगा अडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका मिनिमम टाइम होगा वो कितना होगा, 2.5 आवर। ठीक है, सो यहाँ पे 2.5 घंटे का मिनिमम जो टाइम होगा इसका अडजर्नमेंट मोशन का वो कितना होगा, 2.5 घंटे मिनिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सो जो बेसिक बातें हैं अडजर्नमेंट मोशन। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो यहाँ पे याद रखना है कि जो आर्टिकल 75 है, ठीक है, उसमें मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किसको, लोकसभा को। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी इनके द्वारा पॉलिसी लाई जाती है, अगर तो इनके ही मेंबर, ठीक है, लोकसभा जो मेजोरिटी यहाँ पे पार्टी होती है, अगर उसी के मेंबर यहाँ पे इस पॉलिसी को अगर तो वो नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, इट मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो पार्टी को ही छोड़ के यहाँ पे जाने लग जाए, ठीक है, सो ऐसे में क्या होगा, जो ओपोजिशन पार्टी होगा उसके द्वारा ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये यहाँ पे इसको पेश किया जाता है। ठीक है, सो ये भी यहाँ पे सिमिलरली जो स्पीकर है उसके द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन कब एक्सेप्ट किया जाएगा, जब यहाँ पे इसको 50 मेंबर का सपोर्ट हासिल होगा ओपोजिशन पार्टी को, तभी वो यहाँ पे रूलिंग पार्टी के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। ठीक है, सो जैसे ही इनको यहाँ पे 50 मेंबर का सपोर्ट हासिल हो जाता है तब यहाँ पे जो स्पीकर होगा वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। उस वक्त यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे फिर क्या होगा, वोटिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ पे वोटिंग होगी, अगर तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी वोट्स पड़ते हैं, ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा ये क्या हो जाएगा, इनके पक्ष में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे इनको रिज़ाइन नहीं देना होगा। अगर तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इट मीन्स यहाँ पे इनको मेजोरिटी वोट्स नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे जो लोकसभा है वो अपनी मेजोरिटी को तोड़ देते हैं। सो ऐसे में जो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको यहाँ पे रिज़ाइन देना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में। और यहाँ पे एक बात और है कि जब यहाँ पे फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो उसके बीच में जो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6 मंथ का टाइम पीरियड एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे जो दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो नहीं ला सकते। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फर्स्ट यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन था, ठीक है, वो कब यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जब चाइना के साथ वॉर हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट बातें वो नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है, एटलीस्ट जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे देख लें कि एक्चुअल में कब लाया गया था, किसके द्वारा यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, सो ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो चलिए आगे हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सेंसर मोशन। सो सेंसर मोशन करने के लिए यहाँ पे हम दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, जब भी सेंसर मोशन को यहाँ पे लाया जाता है लोकसभा में, इसको अडॉप्ट करा जाता है, तो यहाँ पे एक रीज़न बताना होता है कि एक्चुअल में इसको हम क्यों यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आएगी, अगर इसको हम लोकसभा में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी रीज़न नहीं बताना होता। सो जस्ट हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी सेंसर मोशन लाया जाएगा, ठीक है, ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी हम ला सकते हैं, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अगर वो सही तरीके के साथ काम नहीं कर रहे, या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ हम यहाँ पे ला सकते हैं सेंसर मोशन। ठीक है, सो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, अगर तो ये लाया जाता है तो यहाँ पे
ये इंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसी के अगेंस्ट यहाँ पे ये लाया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर है? सो इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक पॉलिसी होती है या एक्शंस होते हैं मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे जो लिए जाते हैं उनको यहाँ पे रोका जाता है, ठीक है, अगर वो सही तरीके के साथ यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे पता लगाया जाता है कि जो लोकसभा में इनकी यहाँ पे मेजोरिटी है या नहीं पार्टी की, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस खो तो नहीं दिया, ठीक है। ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, उनके खिलाफ यहाँ पे लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अगर तो यहाँ पे ये लोकसभा में पास होता है, ठीक है, सो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको यहाँ पे रिजाइन नहीं देना होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पास हो जाता है लोकसभा में, देन यहाँ पे जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन सभी को यहाँ पे रिजाइन देना होगा, ठीक है। सो ये बेसिक बात है, आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट के क्या है यहाँ पे, मोशन ऑफ थैंक्स। सो यहाँ पे जब भी इलेक्शन होते हैं उसके यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है, या हर साल, ठीक है, एवरी ईयर यहाँ पे जो हर साल का यहाँ पे फर्स्ट सेशन होगा उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्यों बुलाया जाता है, सो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी या प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको एड्रेस किया जाता है। सो यहाँ पे जो दोनों हाउस हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे दोनों में ये इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी, ठीक है, डिस्कशन होगा यहाँ पे जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लाई गई हैं, ठीक है, जो भी बजट इनके द्वारा पेश किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट में किया था BMW, ठीक है, यहाँ पे तीन बजट्स होते हैं, ठीक है, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों हाउसेज में इसको पास किया जाता है, यहाँ पे डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, उसके बाद यहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है। सो इसका यानी कि ये मतलब होता है कि एटलीस्ट यहाँ पे देखा जाता है कि जो मेजोरिटी पार्टी है उससे यहाँ पे मेजोरिटी वोट्स उसे पड़ रहे हैं या नहीं, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे उसकी मेजोरिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नो डे येट नेम्ड मोशन। सो यहाँ पे जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ठीक है, नो डे येट मतलब कि यहाँ पे जो भी मोशन होगा वो स्पीकर के द्वारा यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर कब डिस्कशन होगी ये डेट यहाँ पे जो डे होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, नो डे येट भी अभी यहाँ पे डे फिक्स नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सो इसमें क्या होता है, अगर तो यहाँ पे हाउस, ठीक है, यहाँ पे वो अगर नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करके चल रहा है, ठीक है, जब भी यहाँ पे प्रोसीडिंग होती है तब यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर को यहाँ पे उठाया जाता है, ठीक है, रेज किया जाता है। तो ऐसे में ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है टूल, ये ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। सो जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल बना के रखने के लिए, इट मीन्स वो अपना सही तरीके के साथ यहाँ पे काम करते रहें, ठीक है। सो जब भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को यहाँ पे लाया जाता है तो यहाँ पे जो प्रोसीडिंग होती है उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाफ एन आवर डिस्कशन। सो इसके ऊपर क्या होता है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस वर्क होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की जाती है, ठीक है। सो डिस्कशन होगी यहाँ पे, डिबेट होगी, और यहाँ पे जो आंसर है वो दिए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा एक हफ्ते में एटलीस्ट यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 दिन अलॉट किए जाते हैं 1 वीक में, ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होता और ना ही यहाँ पे वोटिंग होती है, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है यहाँ पे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इसको यहाँ पे 2 आवर डिस्कशन भी बोला जाता है, ठीक है, क्यों बोला जाता है। और यहाँ पे एक बात और याद रखनी, ये 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं की जाएगी, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, ठीक है। सो ये भी सेम है, यहाँ पे जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वर्क होंगे उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है, चर्चा की जाएगी। सो यहाँ पे एक हफ्ते में यहाँ पे 2 दिन अलॉट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया था, 3 दिन अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, हाफ एन आवर में, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है जिसको 2 आवर डिस्कशन भी बोला जाता है,
तो यहाँ पे 2 डेज अलॉट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ना तो मोशन यहाँ पे लाया जाएगा और ना ही यहाँ पे वोटिंग होगी, जैसा कि अभी हमने लास्ट में किया था हाफ एन आवर डिस्कशन में, ठीक है। सो ये जो डिवाइस था ये एग्जिस्ट कर रहा है 1953 से टिल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्पेशल मेंशन। सो स्पेशल मेंशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि नाम से ही क्लियर है स्पेशल मेंशन, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी अगर काम है उसको पहले किसी भी यहाँ पे आवर, जैसे कि हाफ एन आवर या शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन थी, ठीक है, अगर किसी भी आवर में यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, तब उसको यहाँ पे इसमें जो स्पेशल मेंशन होती है, अगर कोई टॉपिक यहाँ पे पेंडिंग रह जाते हैं, सो इसमें यहाँ पे उसको डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर हो गया, हाफ एन आवर हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, ठीक है, रूल ऑफ हाउस, अगर तो यहाँ पे किसी में भी उसको डिस्कस नहीं किया गया तो स्पेशल मेंशन में उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं ये राज्यसभा में इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट प्रोसीजर है यहाँ पे डिवाइस, ठीक है, वो लोकसभा में भी है, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, नोटिस बोला जाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है अंडर रूल 377। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे अटेंशन दिलाने के लिए यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे मेनली इसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करा जाता है। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनके द्वारा ये मूव करा जाता है रेजोल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं अदर देन मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर को छोड़ के उनके द्वारा ही यहाँ पे पास करा जाता है, ठीक है। सॉरी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। सो यहाँ पे याद रखना है जो अल्टरनेट फ्राइडेज होते हैं, ठीक है, एक फ्राइडे छोड़ के तब यहाँ पे इसको डिस्कस किया जाता है, और यहाँ पे जो आफ्टरनून यानी कि लंच के बाद इसको जो डिस्कशन यहाँ पे होगी प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन उसके ऊपर यहाँ पे होगी, ठीक है, यानी कि लंच के बाद होगी। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। सो इसमें क्या होगा, जो मिनिस्टर के द्वारा जो रेजोल्यूशन होगा उसको यहाँ पे मूव करा जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है ये मंडे से लेके थर्सडे तक का होता है। थर्ड क्या है यहाँ पे, स्टैचूटरी रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर्स दोनों के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, किसी के भी द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है रेजोल्यूशन को पास। सो लास्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है यहाँ पे, यूथ पार्लियामेंट। सो यहाँ पे जो स्कीम है यूथ पार्लियामेंट, इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, किसकी सिफारिश के ऊपर किया गया था, सो ये आप लोगों ने याद रखना है, 4th All India Whips कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उनकी यहाँ पे सिफारिश के ऊपर यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था। सो इसमें क्या क्या पॉइंट शामिल थे, कि यहाँ पे जो यंगर जनरेशन है उनको यहाँ पे पता होना चाहिए प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के यहाँ पे क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, इसकी सारी वर्किंग, ठीक है, ये यंगर जनरेशन को एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि कैसे यहाँ पे काम करा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, उनको यहाँ पे सिखाया जाता है कि स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, या टॉलरेंस, कैसे उसको सहन करना है, ठीक है, जो बोलने का वे होता है यहाँ पे डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करके रखना है, और यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाया जाता है जो बेसिक वैल्यूज होती हैं डेमोक्रेसी की, कैसे ये यहाँ पे फंक्शन करेगा, ठीक है, कैसे ये यहाँ पे काम किया जाता है। सो ये सारी वर्किंग यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे मैसेज कन्वे कर किया जाता है, उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है इन सभी बातों के ऊपर, ठीक है। सो जो मिनिस्ट्री होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जो स्कीम इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, सो सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो ये बेसिक बातें आपको यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में पता होनी चाहिए, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है फिनिश होता है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू एंड हैव अ फैंटास्टिक डे।